गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हम पांचवी क्लास का हिंदी सब्जेक्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम पंद्रहवा पाठ करेंगे। पंद्रहवा पाठ का नाम क्या है? अमरनाथ की यात्रा। लेखक यहाँ समय की जो अपनी अमरनाथ की यात्रा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गत वर्ष जिस हादसे से होकर गुजरा, गत वर्ष मतलब पिछले वर्ष मेरे साथ एक जो बड़ा हादसा हुआ, उसे याद करके आज भी मेरा मन कंपकपी पैदा करता है, अर्थात आज भी मैं घबरा जाता हूँ। क्या कहते हैं कि मुझे याद नहीं पड़ता कि बचपन में कभी भी मैं टट्टू पर सवार हुआ होगा। टट्टू खच्चर जिसको हम बोलते हैं, खच्चर पर मैं कभी सवार नहीं हुआ था, लेकिन अमरनाथ यात्रा के दौरान मुझे खच्चर की सवारी उस समय करनी पड़ी जब पहाड़ की चढ़ाई करते हुए मैं बहुत थक गया था और मेरे मित्रों ने मेरी ऐसी हालत देखकर मुझे टट्टू पर चढ़ने के लिए मजबूर कर दिया था। तकरीबन 12,500 फीट की ऊंचाई थी। सामने बर्फ से ढकी हुई शेषनाग झील, जिसमें तीन पहाड़ियां जो मानो बर्मा, विष्णु और महेश जैसी प्रतीत हो रही थी। पहाड़ियों की तीन चोटियां कैसी लग रही थी? जैसे बर्मा, विष्णु और महेश जैसे समय भगवान से वहां शेषनाग पर विराजमान हो। और इस प्रकार से जो जो ऊपर चढ़ते गए तो त्यों त्यों ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी और सांस लेने में भी तकलीफ बढ़ती गई। तो इस प्रकार से उनकी बिगड़ती हालत को देखकर ही उनके साथियों ने उन्हें टट्टू की सवारी करने की सलाह दी। जब वे आगे बढ़ते गए तो वहां से महागुनस की चोटी और ऊपर से टट्टू की सवारी दोनों ही खतरनाक थी, क्योंकि टट्टू की जो दौड़ तेज चल रहा था, दौड़ रहा था, उससे भी उनको काफी डर लग रहा था। लेखक कहते हैं कि शेषनाग झील की कुछ तस्वीरें वे पहले देख चुके थे। नीली झील का पानी कुछ ऐसा लग रहा था मानो उससे निकलने वाली नील गंगा भी बहुत सुंदर लग रही थी। महागुनस की चोटी पर पहुंचने के लिए उन्होंने जो टट्टू की सवारी की थी, परंतु टट्टू पर बैठकर वे बहुत घबरा रहे थे। 14,500 फीट की ऊंचाई वाले महागुनस की चोटी को पार करके जब वे नीचे की तरफ ढलान में जैसे उतर रहे थे, उस समय मानो टट्टू भी जो है थक गया था और वह भी बिदकने लगा था। तो टट्टू को इस प्रकार से हलचल करते देखकर लेखक क्या कहते हैं कि मैंने टट्टू वाले जो टट्टू के मालिक थे खान साहब से कहा कि टट्टू कुछ परेशानी पैदा कर रहा है, परंतु खान साहब ने मेरी बात नहीं सुनी और साथ में जहां से वे निकल रहे थे वहां लगभग 1,000 फीट गहरा खड्डा था। तो यदि थोड़ी सी ऐसा सावधानी होती तो इतनी ऊंचाई से ऐसे गहरे खड्डे में जाकर शायद कोई बचने की उम्मीद न थी। तभी अचानक एक ऐसी घटना हुई जिससे रोंगटे खड़े हो गए। घटना क्या हुई कि टट्टू ने जोर से दुलत्ती लगाई और दौड़ लगा दी, जिसे देखकर सभी यात्री घबरा गए। यात्रियों में खलबली मच गई और लेखक कहते कि मेरे सामने समय मौत का सा सन्नाटा छा गया, जिंदगी की उम्मीद नहीं रही और मैं पूरी तरह से उस टट्टू से चिपटा रहा। लेकिन कुछ सालों बाद क्या हुआ कि टट्टू अचानक रुक गया और सही सलामत जान बच गई। टट्टू की दुलत्ती किसे लगी? टट्टू के मालिक खान को उसकी दुलत्ती लगी, वह दर्द से कराह रहा था। लेकिन यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैं यहाँ पर शांत भाव से खड़ा था, शायद मैं भगवान का इसके लिए धन्यवाद कर रहा था या शायद बाबा अमरनाथ का अनन्य विनय कर रहा था, उनकी प्रार्थना कर रहा था जो उन्होंने मेरी रक्षा की। अमरनाथ की इस यात्रा के सफल होते होते बच गया। लेखक ऐसा क्यों कहते हैं कि मेरी अमरनाथ यात्रा सफल होते होते बच गई?
क्योंकि यहाँ जो लोग जो यात्री हैं, यहाँ की यात्रा करते हैं जो लोग, उनका ऐसा मानना है कि यात्रा के दौरान यदि किसी की यहाँ मृत्यु हो जाती है तो उसे सीधा बैकुंठ मिलता है। बैकुंठ कौन सा स्थान है बच्चों? जहाँ पर देवता निवास करते हैं। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि लेखक के जैसे मौत के मुंह में जाने से बच गया था, तो मानो उनके अमरनाथ की यात्रा सफल होने से चूक गई थी। मेरा बैकुंठ का टिकट कैंसिल हो चुका था, उनकी जो मृत्यु टल गई, मानो उनका बैकुंठ जाने का टिकट ही जो कैंसिल हो गया। तो लोग क्या कहते हैं, इससे लोगों को यह हुआ कि भाई कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो बच गए, तो इस प्रकार लोग उनके कर्मों का हिसाब किताब लगाने लगे और कुछ ये भी कहने लगे कि जिसको राखे सैया मार सके ना कोई, अर्थात भगवान जिसकी रक्षा करता है उसको कोई नहीं मार सकता। और लेखक कहते हैं कि ये घटना जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए, आज भी इसको याद करके मेरी रूह कांप उठती है। आगे लेखक बताते हैं कि उनको अमरनाथ जाने की योजना कैसे बनी, कि उनको एक दिन उनके एक मित्र का फोन आया और मित्र ने पूछा कि क्या कश्मीर चलोगे। दूसरे मित्र प्रेम कपूर और छोटे भी जो उनके साथ चल रहे हैं। इस प्रकार से लेखक ने अपने मित्रों के साथ अमरनाथ की यात्रा पर जाने का निर्णय लिया और जब उन्होंने वहां से अपनी यात्रा आरंभ की तो आरंभ में बहुत मजा आ रहा था। इतना अच्छे मूड में वे थे कि वहां पर जो बेर खा रहे थे उनसे भी उनको सेब जैसा स्वाद मिल रहा था। परंतु आगे पहुंचते पहुंचते जम्मू में बहुत अधिक गर्मी थी, गर्मी के कारण उनका बेहाल था। परंतु लेखक के मित्र जो कि स्वयं लेखक थे और वे अपनी शायरी से अपनी कविताओं से उनका दिल बहलाते हुए गए, जिससे उनको गर्मी का अधिक एहसास नहीं हुआ। लेखक कहते हैं कि जम्मू में इतनी गर्मी थी कि गर्मी ने कश्मीर का नाम बदनाम किया था, क्योंकि कश्मीर तो की ठंडी जलवायु होती है, ठंडा प्रदेश के नाम जाना जाता है, और जम्मू की ऐसी गर्म जलवायु जिससे कि कश्मीर का मानो नाम बदनाम हो रहा था। वहां से उन्होंने सुबह की टिकट बुक करा ली थी और रात में वहीं टूरिस्ट हाउस में रुके थे। सुबह जैसे ही वे वहां से निकले, अपनी यात्रा वहां से आरंभ की और आगे जम्मू के छोटे छोटे जैसे यात्रा उन्होंने आरंभ की, छोटे छोटे जो टिल्ले थे वे पहाड़ियों में बदलने लगे और पहाड़ियां धीरे धीरे दोपहर होते होते बड़े बड़े पहाड़ों की शक्ल में आ गई और पत्नी टॉप के आगे पहुंचते ही ठंडी हवा के झोंके आने लगे जो कश्मीर की जलवायु के जैसे उनको संदेशा देने लगे। तो इस प्रकार से लेखक कहते हैं कि वहां पर जो मौसम इतना अधिक सुंदर था कि हरे भरे पाइन के सीधे खड़े वृक्ष और उन वृक्षों के बीच में जो घर थे उनकी लाल छतें और भी अधिक शोभा बढ़ा रही थी। इससे आगे दरियाए चिनाब के इलाके की यात्रा उन्होंने आरंभ की जो कि पहाड़ों से घिरा हुआ था, परंतु यहाँ की पहाड़ियां जो थी ये फुसफुसे मतलब ऐसी वहां की मिट्टी थी कि थोड़ी सी बरसात से ही मिट्टी धस जाती, पहाड़ियां धसने लग जाती। उनके मित्र कपूर ने उनसे बताया हम कि भगवान श्री राम भी वन के इस इलाके से निकलते हुए एक बार इस रास्ते में फंस गए थे। जब वे वहां से निकलकर आगे बढ़े तब जवाहर सुरंग को पार करते हुए वे वेरीनाग क्षेत्र में पहुंचे। वेरीनाग क्षेत्र जो हरियाली का एक खूबसूरत कटोरा सा जान पड़ता था। कंडक्टर ने यात्रियों से पूछा कि क्या कोई यहाँ पर वेरीनाग क्षेत्र में जाना चाहेगा। कंडक्टर ने ऐसा क्यों पूछा, क्योंकि इस इलाके में घूम कर जाना पड़ता था इसलिए टिकट के 300 रुपये एक्स्ट्रा लिए गए। लेखक और उनके मित्रों ने सबसे पहले वहां जाने के लिए अपने हाथ खड़े किए और फिर आगे उन्होंने क्या देखा, झेलम का उद्गम स्थल, झेलम जिसका कुंड जो चारों तरफ से पक्का था। चिनाब में पानी बिल्कुल विपरीत स्वच्छ और निर्मल,
चिनाब का पानी था उससे उल्टा स्वच्छ और साफ पानी आइस कुंड में था। लेखक कहते हैं कि ऐसा प्रतीत ही नहीं हो रहा था कि ये इतना बड़ा जो है दरियाए झेलम इतने शांत कुंड से निकलता है। आगे लेखक कहते हैं कि वेरीनाग से जब बस चली तो मानो वे हरियाली की गोद में चल रहे थे, अर्थात बहुत अधिक हरियाली आगे थी। और फिर उनको दर्शन हुए सुंदर नदी के जिसका नाम था लिदर, लिदर नदी जिसकी सुंदरता अनोखी अद्भुत थी। सुंदरता अद्भुत क्यों थी? उसका सफेद पानी पानी इतनी तेजी से बह रहा था कि मानो सांप भी शर्मा जाए, और गर्जना इतनी अधिक थी कि पूरा बहलगांव उससे गूंज उठता था। तो इस प्रकार से आगे वे पहुंचते हैं तो आगे छड़ी मुबारक जो कि साधुओं का एक बहुत बड़ा टोला जा रहा था जिसके पास छड़ी मुबारक जैसे उनके पास थी। छड़ी मुबारक क्या है बच्चों? छड़ी मुबारक श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में प्रस्थापित शिवलिंग का प्रतीक है जो श्रावणी पूर्णिमा को गुफा में जाकर अमरेश्वर शिव के मंदिर में जैसे सबसे पहले उन्हीं का मिलन होता है, सबसे पहले वहां पर छड़ी मुबारक को ही आगे जैसे ले जाया जाता है, उनके बाद में साधुओं का झुंड और अन्य यात्री जैसे गुफा में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार से लेखक अपने जो यात्री थे, अपने मित्र थे, उनके साथ पहाड़ी यात्रा कर रहे थे। और हालांकि इस यात्रा के नियम थे, जगह जगह पर लिखा हुआ था कि धीरे चलो, परंतु थकान उनको बहुत तेजी से आ रही थी। रास्ते में वे कहीं पर बैठकर सुस्ताते हुए अपने मित्रों के साथ हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए वे कहां पहुंचे? आगे जब वे बढ़ रहे थे तो उनके साथ एक अन्य घटना हुई। लेखक कहते हैं कि उन्होंने एक ऐसे यात्री को देखा जिसके टांगे नहीं थी, जो केवल बैसाखियों के सारे ही इतनी लंबी यात्रा कर रहा था और उन सबसे तेज चल रहा था। उसने देखकर लेखक और उनके मित्रों में जोश आया और वे भी अपनी थकान को भूलकर तेजी से यात्रा करने लगे। आगे वे नीलगंगा के पास मुझे नीलगंगा जिससे एक कथा जुड़ी हुई है। क्या कथा? इस कथा के अनुसार एक बार क्या कहते हैं कि श्री पार्वती जी के नेत्रों के साथ भगवान शिव का मुख लग गया था, और जिससे क्या हुआ कि भगवान शिव का मुख समय अंजन के कारण जैसे काला हो गया। और इस प्रकार से जब भगवान शिव अपने काल मुख की इस काले माँ को गंगा में धोने लगे तो इससे गंगा का रंग भी काला पड़ गया। कहते हैं कि इस जल को छूने से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। नील गंगा के नीले होने के अन्य भी कई रहस्य बताए जाते हैं। तो इस प्रकार से लोग इस पवित्र नदी में स्नान करके अपने पापों को धोना चाहते थे। और चारों ओर लेखक कहते कि चारों ओर पहाड़ी से गिरे समुद्र तल से 9,500 फीट की ऊंचाई पर चंदनवाड़ी के मैदान में यात्रियों के रुकने की व्यवस्था की हुई थी। ये व्यवस्था कश्मीर की सरकार के द्वारा की जा रही थी। कश्मीर की सरकार के द्वारा यात्रियों को मार्ग में कठिनाई न हो इसलिए रास्तों की सफाई की जा रही थी। जगह जगह पर यात्रियों के रुकने के लिए टेंट हाउस लगाए जा रहे थे, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही थी, यहाँ तक कि उनकी चिकित्सा की भी उचित व्यवस्था की गई थी। तो चंदनवाड़ी का मैदान जहाँ पर यात्रियों के रुकने की व्यवस्था थी और पूरे मैदान में यात्रियों का कोलाहल, लाउड स्पीकर की आवाजें, टटुओं के हिन हिनाहट, तो ऐसी आवाजें आ रही थी। वहां पर अपने टेंट का नंबर मालूम करके जो लेखक अपने मित्रों के साथ अपने ने टेंट में पहुंचे, वहां पर खाना खाकर सो गए। और सुबह जब वे उठे तो लाउड स्पीकर से ऐलान हो रहा था कि यात्री जो हैं वे आगे की यात्रा के लिए तैयारी करें।
क्योंकि आगे की चढ़ाई और भी अधिक बड़ी है। तो इस प्रकार से बच्चों, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने अपने अमरनाथ की यात्रा का वर्णन किया है।